पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्वमुखी थाने के पाल मार्केट के पास शुक्रवार की सुबह 7 बजे सड़क किनारे खड़े लोगों को पिकअप ने रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर हालत में घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनाक्रम के मुताबिक पूर्वमुखी के रहने वाले सोहन लाल पाल का हृदय गति रुक जाने से गुरुवार की शाम मौत हो गई थी। मौत की जानकारी मिलते ही उनके रिश्तेदार परिजन उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने शुक्रवार की सुबह पूर्वमुखी गए थे। रिश्तेदार परिजन और परिचित सड़क किनारे खड़े थे। इसी बीच कानपुर की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप संख्या UP 73A 8626 ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में लोग वाहन की टक्कर खाकर दूर जा गिरे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वीर सिंह पुत्र राम आधार भाग नहीं सका और ग्रामीणों ने उसे कब्जे में ले लिया और पिकअप चालक को पुलिस को सौंप दिया है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे पूर्वमुखी थाना क्षेत्र के पाल मार्केट में एक अनियंत्रित पिकअप ने 5 लोगों को टक्कर मार दिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जिनकी मृत्यु हो गई है पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु उनकी बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। पहरी ले लिया गया है। FIR दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो अनफिट गाड़ियाँ जो हैं किनारे लगी हुई, वो एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं उसका। ये अनियंत्रित पिकअप जो सड़क के किनारे लोग खड़े थे उनको टक्कर मारा गया है। अनियंत्रित गाड़ी से जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसे कुछ लेना देना नहीं है। सर, आपका परिचय? मैं संतोष सिंह, CO सिविल लाइन।